हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरे लता टेरेस गार्डन में आप लोगों का स्वागत है। और मेरे आज के वीडियो का टॉपिक है अपराजिता का फ्लावर। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस प्लांट की विशेषता बतलाने जा रही हूँ। यह प्लांट वास्तु के अनुसार से और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्व रखने वाला प्लांट है। वास्तु के अनुसार इस प्लांट को हमें ज़रूर से लगाना चाहिए, क्योंकि यह प्लांट हमारे घर की नेगेटिविटी को हटाता है और घर की पॉजिटिविटी को बढ़ाता है, इसलिए भी इसे हमें ज़रूर लगाना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह फूल हम पूजा में चढ़ाते हैं। यह दुर्गा माँ का फेवरेट फूल होता है और इसके नीले फ्लावर को हम कृष्ण कांता फ्लावर कहते हैं, और इसका वाइट जो कलर होता है उसे विष्णु कांता भी कहते हैं। वो विष्णु भगवान का प्रिय फ्लावर होता है। ऐसे इस फ्लावर को हम किसी भी देवी देवता में आसानी से चढ़ा सकते हैं। तो आज मैं अपने टेरेस गार्डन में लगे हुए अपराजिता के चार तरह के फ्लावर से आप लोगों को मिलाऊंगी और उसकी कुछ जानकारियां आप लोगों से शेयर करूंगी। ये सबसे पहला मेरा यह ब्लू कलर का डबल लेयर का अपराजिता का फ्लावर है। इस फ्लावर को देखिए, यह कितना सुंदर है। इसका कलर भी काफ़ी सुंदर है और यह फ्लावर काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। इस फ्लावर प्लांट को मैं सीड से उगाई थी। यह करीब 3 महीने पुराना प्लांट है और यह हेल्दी प्लांट है और इसकी कोई विशेष केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, यह आसानी से ग्रो हो जाता है। इस प्लांट का यह दूसरा वेराइटी है। ये वाइट कलर का डबल लेयर अपराजिता का फ्लावर है। ये भी मैं सीड से उगाई थी। ये भी 2 महीने पुराना प्लांट है और इसमें भी अब अच्छी तरह से फ्लावरिंग आ रही है। इसमें गर्मियों और बारिश के सीज़न में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती रहती है। अपराजिता का प्लांट में सर्दियों में फ्लावरिंग होना बंद हो जाता है। उस समय इसकी पत्तियां झड़ जाती है, थोड़ी सूखी जैसी हो जाती है और सर्दी ख़त्म होती है फिर से इसमें फ्लावरिंग होने लगती है, पौधा अच्छा हो जाता है उस समय। यह भी मेरा एक प्लांट है। यह मेरा एक दूसरा प्लांट है और इसमें भी देखिए, इसमें अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। इसके फूल भी देखिए कितने सुंदर और कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। यह विष्णु भगवान का प्रिय फ्लावर है, इसे ही विष्णु कांता कहते हैं। और इसमें फ्लावरिंग के बाद इसमें सीड बनने शुरू हो जाते हैं और जब इसकी सीड बन जाते हैं तो उससे फिर हम नए पौधे बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं इसकी सीड भी दिखलाऊंगी। और यह है तीसरा अपराजिता का पौधा। इसके भी यह देखिए, ब्लू कलर का सिंगल लेयर का फ्लावर है और इसकी बेल भी देखिए, इसकी बेल में कितने सारे फूल आए हैं। जब इसमें ढेर सारे फूल आते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है यह बेल। और ये चौथा तरह का देखिए, ये वाइट कलर का सिंगल लेयर अपराजिता का फूल है। इसके फूल भी काफ़ी खूबसूरत है। और इस पौधे में भी अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। यह भी मेरा 2 महीने पुराना प्लांट है। इन प्लांट को मैं सब सीड से उगाई हुई हूँ। इन प्लांट में अच्छे से फूल पाने के लिए हमें कुछ केयर टिप्स अपनानी पड़ती हैं। इन पौधों में हमें महीने में एक बार खाद डालनी पड़ती है और खाद में हम इसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट में हम इसमें अपने घर के ही बगीचे में बना हुआ खाद डाल सकते हैं, जिससे अच्छे से फ्लावरिंग होते रहती है। और एक और टिप्स इसमें अपनाना पड़ता है, इस बेल में देखिए इसमें बीज हो रही है, इसमें ढेर सारी बीजों की फलियां बनी हुई हैं। तो हमें जितने बीज चाहिए उतना ही हम बीजों की फलियां को इसमें रहने दें और बाकी जो बीजों की फलियां हैं उसे हमें इस तरह से तोड़ तोड़ कर हटा देनी चाहिए। इससे हमें यह फ़ायदा होता है
कि इस बेल का जो एनर्जी है वो फलियों में वेस्ट नहीं होता है और वही एनर्जी नए नए फूलों को खिलाने में लगता है, जिससे हमें इसमें ढेर सारे फूल मिलते रहते हैं। तो अगर हमें भी ढेर सारे फूल चाहिए इन बेलों में, तो सारी बीजों को हटा देनी चाहिए। तो इस तरह हम इसमें कुछ केयर टिप्स अपना कर इसमें ढेर सारे फूल पा सकते हैं और अपने बगीचे की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। तो आज मैं इन चार तरह के अपराजिता के फूलों से आप लोगों को मिलाई हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।